शिव जी बराते, हाँ जी हाँ ये शिव जी बराते। भारत नहीं है लेकिन वो चार चूल्हे, एक स्कूल लाइट होता, त्रै मंदिर लाइट होता, सर वो भी भारत नहीं बोले अज तक। उसके बाद इस बार मैं सुनया कि एक बस स्टैंड भी आया था, सर वो भी नहीं बनया अज तक। उसके कारण सर एक बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि सर एक बड़ा एक मशहूर तीर्थ स्थान एरमा है, लेकिन एरमा 2004 दे विच एक कमेटी डिसॉल्व हुई थी, अज तक वो कमेटी नहीं बनी है। वो एक टैंपरेरी कमेटी बनी ही जिसके विच दो चार बंदे काम करा रहे हैं। मैं सर चाहता कि तुसी इंटरफेरेंस करिए, उस कमेटी की स्थाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण सर ओंकार सिंह जी दो मिनट वास्ते आओ स्टेज पर बैठे दे चौधरी लाल सिंह जी, उनके कन्ने आए दे लीडर दे शिशु और भी आए दे ने, बाकी दे नाए दा कोई ख्याल नहीं। कोई पहले जितिए गए कोई मुड़िए लोगों ने गल सुन नहीं आया, चल जिन्नियां भी लड़ाइयां लड़ियां सारियां गरीब जनता वास्ते लड़ियां, अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जी। छे महीने बाद हुण त्रै महीना बाद हुण ते दौं त्रै दिन बाद बंदा उसी अज अही बुलाए दा, अजकल काम छड्डी बैठे दा, वह आखदा कि मिगी आखदे कि इधर लोके लड़ाई रखो ते मंदिर दे विच होर कोई इधर दा बंदा नहीं है। अही चौधरी साहब की आखने कि जे ते एसीआर मिश्रे ने कमेटी बनानी है, तहसीलदार ने बनानी है, तो फिर कोई गल नहीं, तो जे इस बैठी की जनता ने बनानी है तो फिर तुम बनाइए जाओ अज जिसी जनता आ। उस इस टाइम पर सारे एरमा मंदिर के बिच इन्नी बुरी हालत है जेदा बनना कोई नहीं, मैं नहीं बनना, मैं कुछ नहीं बनना है मंदिर के बिच। उत्थे स्टेडियम आया, जो स्टेडियम आया स्टेडियम के पैसे आए मैं उसकी तफ्तीश करनी शुरू करी थी, मैंने पूछना शुरू करी था। जो नगरी हॉस्पिटल का उद्घाटन होया तो मिगी जसोती एडी दूर खड़ोते अभी तो बुलाते नहीं, उन्हें मैं पूछा बिंदु मिला जाएंगे, महा आहो मैं तो नहीं खड़ोते थे, आता क्या होया महा तो सा स्टेडियम का एरिया क्या बुलाचे, आखदा मैं आखदा कि यार उतने तो मैं कोई जगह नहीं दी, महा तू कुंदे कि गल की दो चार बंदे कहना तू कम नहीं रखिए गल की। ट्रैक बनना सारे बच्चे स्टेट च खेडन गए, ऑल इंडिया नॉर्थ जोन सिलेक्ट होए, सानू मार बजी ट्रैक दी, सारे बच्चे जो ट्रैक नहीं मिलता वो क्या करते जो उस ग्राउंड से आते ट्रैक। श्री लाल सिंह जी डोगरें की आवाज ने अज का जुना जिंद अध्यक्षता के बिच एक प्रोग्राम आर्गनाइज किया गया। बिंदु सिंह जी मंच पर विराजमान, साढ़े बड़े भरा हरिदत्त शर्मा जी मेरे दिल के करीब, मेरे अजीज छोटे भरा डैनी सिंह जी, उन्दे कन्ने ही कठुए दे आए दे सारे गन्ने मन्ने व्यक्ति जड़े ने संबंध रखते ने इस इलाके दे तमाम मौजिज लोग, नौजवान साथी, जो भी गलबात मेरे प्राण इत्थे कीती है स्टेडियम के मुतालक, और बड़ी ही जायज डिमांड है इस इलाके की, और बड़ी देर तो इस आवाज की उठाया जाया करता है लेकिन साड़ी डिमांड कभी पूरी नहीं हुई, और जिसल पूरी होने का वक्त आया तो कोई और ही खेल इतने खेलिए लोग।
साढ़े नौजवान प्राण दे भविष्य का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, लिहाजा इस गल का नाश कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करिए। चौधरी साहब की मैं केस ना मेरे को इस इलाके का नाम वाकिफ ने हर एक बंदे की जान देना है, पहचान देना है, हर ग्रां हर गली हर नुक्कड़ उनकी जुबान ऊपर है। किसाने की केस समस्या है, माता भैने की केस समस्या है, हर एक गल दे बारे चुना की पता है। लेकिन तुम सारे साथी की आज बड़ी विनम्रता करने मैं एक गल आखना चाहूं, इन्हें सारे की समस्या का हल इको गल वास्ते है च निकली सकता है। इन्हें समस्या की दूर करने वास्ते जेड़े पिछले 70 सालों कोला अस लोग एक दास का जीवन बतीत करे करने हैं और कश्मीरी हुक्मरान चुना सदा इस डुगर धरती कन्ने बेइंसाफी की, सारे बच्चों ने भविष्य कन्ने खिलवाड़ किया, उन्हें सारे जड़े जुल्म सितम साढ़े उपर डाए, उनका हिसाब किताब लेने वास्ते चौधरी साहब ने एक संस्था का निर्माण किया डोगरा स्वाभिमान संघ। जिन्हें भी मुड़ा सारे कंट्रीब्यूट किया, कई ना असं नहीं भी ले पाए, सारे का बहुत बहुत शाबाश है। विशेषकर बिंदु ने काफी मेहनत की है और जो खास करी युवाएं की एक अच्छी लाइन दसा करता है, बड़ी अच्छी गल है और मैं समझना कि बहुत बड़ी जरूरत है इस इलाके की। सारे कहने केंद्र सिंह होरी भी आ रहे हैं, संगठन के प्राइवेट स्कूल कोआर्डीनेशन कमेटी जी है लगातार दिन रात चौधरी साहब के कन्ने संगठन करने लिए चले करते हैं। साथियों काफी बड़े सारे इशूज ने, उनके इशूज के उपर अक्सर गल होती है और बाद भी हो सकती है, लेकिन अज मौके की गल यह है कि जिस तरीके अज जम्मू का पूरा नौजवान, जम्मू का बुजुर्ग, माता भैन, पूरा समूचा जम्मू जिस तरीके जिस कगार पर खड़ा है, जिस हालात के पिछे निकले करता है, साथियों ये इतिहासिक ऐसा क्षण है कि अगर अज एक मौका से खिंजाई देंगे तो सानू इतिहास भी माफ नहीं करेगा और आने वाला वक्त भी माफ नहीं करेगा। पता होना चाहिए कि चौधरी साहब जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन, बैसाखी वाला दिहाड़ा चौधरी साहब ने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ी। मिनिस्ट्री इस कारण छोड़ी कि पूरे जम्मू के उपर एक एलीगेशन लगा, जम्मू के उपर एक आरोप लगा, कुछ लोग हैं वो केड़े लोग, जेड़े कश्मीर नवाजी लोग, जेड़े पाकिस्तानी नवाजी लोग, जिन्हें दिखिया कि कश्मीर के पिछ उन्हें कश्मीर जला ही उड़िया, सोच है वो कामयाब नहीं हुई। और वो सोच कामयाब नहीं होने का कारण क्या है, वो कारण जम्मू है। ए ओ जम्मू जिसके पिछ शेर बकरी कट्ठे पानी पीकन, जिदे च कमजोर नौजवान कौन कमजोर मजबूत ताकतवर सारे प्यार कन्ने रोंदन, एक ओ जम्मू का गुलदस्ता जिदे च हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म जातियां एक दूए पर भरोसा कर दें। असि अज भी सवेरे सब तो पहले साढ़े अखा बंद करी उनका दिता का दुध पिलाने, ये साड़ा भरोसा है, ये साड़ा आपसी जरा गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते की तोड़ने ताई, इस गुलदस्ते की तोड़ने ताई कश्मीर के पिछे एक साजिश बनी और उस साजिश कन्ने साड़ा पूरा डुगर समाज शक के घेरे के बिच आया और खास कर ये कूटे के अंदर जो उस बच्ची का कत्ल होया, चौधरी साहब ने उठे जाइए ऐलान किया कि ये बच्ची ये कुछ गुजर बकरवाल की बच्ची नहीं बल्कि पूरे समूचे जम्मू की डुगर प्रदेश की बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये सारे डोगरे की बेटी है। और जिन भी इस बच्ची कन्ने कोई अत्याचार किया है उस बंदे की फांसी होनी चाहिए। मेरी हुक्मरान है कश्मीर की पार्टी है और विशेषकर जी महबूबा मुफ्ती है, इन इस किस्म के हालात पैदा किए
कि पहले उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी तकीकात ही हीरा नगर पुलिस करे कर दी ही। उसमें मेरे बच्चे इधर इधर सारा चप्पियां मारो। वो पीछे तो नहीं जिंगल बोर्ड और ये तो जाने जाने पड़े थे बैठो बोर्ड ना कोई टेलीफोन आ ना कोई तार का रखा ना कोई सिस्टम आ। चौंक रहे मैंने उस खबर लाई कि नेहरू की आर्मी ने जम्मू कश्मीर की आर्मी ने रखे दाखले रियासत के उस जमाने के राजा महाराज हरि सिंह साहब ने उन्हें सुनिया दिता छोड़ो खबरदार ही काम किया छोड़ी। नेहरू की तकलीफ थी कि मिगी इस आदमी ने छोटा जा राजा मिगी चार घंटे ढूंढा हालांकि उन्हें पता नहीं था लेकिन नेहरू ने अपने दिमाग से उस चित रखी और अंग्रेजे के छित तोले नहीं मिली तो तरीक चीज पैदा हुई उसका नाम शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला पैदा हुआ और शेख अब्दुल्ला ने सोचा अगर मैं जम्मू कश्मीर च राज कर सकना तो महाराज हरि सिंह इतने नहीं रोह तो राज कर सकना अगर महाराज हरि सिंह साहब इतने हो गए मैं राज नहीं कर सकता। गल की थोड़ा समझ लें इसे करिए महाराजा हरि सिंह साहब की देश निकाला किया बदाना चलो तुम आर्डर निकलिया एक तरफ प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बनया जम्मू कश्मीर का और दूसरी तरफ महाराज हरि सिंह साहब की जला पतन किया और इस स्टेट च उसी 24 घंटे खाली करने का आर्डर देता। गल तुम समझ आनी चाहिए सारे इस करिए जम्मू कश्मीर च महाराजा हरि सिंह साहब का जन्मदिन कोई मनाएगा क्या? ये कश्मीरी मना देंगे क्योंकि जम्मू के अंदर एको एक हिसाब बीत रहा अगले 24 सीटा अगले 24 सीटा जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के कन्ने इलाका जुड़ तो जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी हुकूमत नहीं कर सकता। कश्मीरी जोड़ा हा सिर्फ 2.25 जिले हालांकि वह भी इलाके मुस्लिम इलाके मसाठी मुस्लिम इलाके लेकिन वह कश्मीरी पसंद नहीं करते जिन्हें अज भी कश्मीरी गुजरे बकरवाली पसंद नहीं करता। खुरक जरूर है दोनों ही माड़ी माड़ी इं माड़ी माड़ी खुरक है कि लगता कि मेरा है वह मेरा है लेकिन जिसल देने की बारी आती है तो यह नहीं मिलता कख नहीं मैं जानता। मैं एक DFO लाया शोपियान दुबे नीम अख्तर कैबिनेट मिनिस्टर सवेरे आइए जनाब ये चोर कितों लाशा निकल लगा दी आपने इसको हटा दो शोपियान च DFO लगा मैं कोई नहीं मैं गल देखूंगा मेरा अपना सवाल मैं मंदा मुंदा घट ही अपनी मर्जी करना पहले चेक कर लूंगा कोई कुछ चोर आखिर नहीं मानता। उसके बाद मैंने उसी सारी इन्वेस्टिगेट किया कारण क्या है उन्हें कारण यह कि बंदा जो DFO गुजर है और कश्मीर च गुजर DFO लगन दिया कश्मीरी ये गुजरी की गल नहीं पता है। जिसले गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर हा तो उसी लगा करते होंगे इसलिए आखते कि गुजर आखते होंगे याद है फौज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की क्यादत जंग लड़ा दी जगह जगह अपने अपनी मोर चेंबर आखिरी गोली और आखिरी सांस तक सारे बुजुर्ग और नौजवान लगते रहे। देश की फौजा जिसने सारे साढ़े लोग मरी चुके थे तबाह हुए जिसने फौजा उतरना शुरू हुई और फौजा जिसने उतरिया